नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के पश्चात राजघाट से प्रस्थान कर रहे हैं। मौजूद आज के इस अवसर पर ऐतिहासिक लाल किला और उसके ठीक सामने है चांदनी चौक का इलाका। जब लाल किला बनवाया गया तब उसके सामने शहर बसाया गया। लाल किले से फतेहपुरी तक का पूरा इलाका चांदनी चौक कहलाने लगा। चांदनी चौक का वैभव और शान कमाल थी। दुनिया भर का बेहतरीन सामान यहां मिलता था। 350 साल से चांदनी चौक दुनिया के बड़े और बेहतरीन बाजारों में से एक है। चांदनी चौक के बीचों बीच जैन मंदिर से फतेहपुरी मस्जिद तक एक नहर बहती थी। अंग्रेजों के वक्त में इसे बंद करवा दिया गया। लाल किला इतिहास का एक ऐसा मौन दर्शक जिसने सदियों की जद्दोजहद को देखा है, जो साक्षी बना मुगल वंश के साम्राज्य का और कहलाया किलाए मुबारक। मुगल सम्राट शाहजहां ने इस विशाल किले का निर्माण शुरू कराया 1638 में और इसकी तामीर पूरी हुई 1648 में, यानी 10 साल की अवधि में। के गदर में अंग्रेजों ने इस किले पर कब्जा कर लिया और उन्होंने यहां मौजूद रिहायशी महलों को ब्रिटिश फौज का मुख्यालय बना लिया। गदर के फौरन बाद वहां बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया। फिर 1947 में भारत ने स्वतंत्रता हासिल की। आज ये किला भारत की प्रभुसत्ता की एक प्रमुख निशानी है और प्रधानमंत्री हर स्वतंत्रता दिवस पर यहाँ से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। लाल किले की प्राचीर से सामने नजर डालें तो लघु भारत का एक रूप नजर आता है। इस रूप को समेटे है चांदनी चौक। चांदनी चौक 300 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने 1650 में कायम किया था, जब वो अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाए थे। यहां सड़क के ठीक कोने पर स्थित है दिगंबर जैन मंदिर। बड़ा लंबा और पुराना इतिहास है इसका। मूल मंदिर 1526 में बना था। मंदिर से दाईं ओर मुड़े तो बर्ड्स हॉस्पिटल यानी पक्षी अस्पताल आ जाता है, अहिंसा और प्रेम का संदेश देता हुआ। जरा सा और आगे चलिए तो गौरी शंकर मंदिर के दर्शन होते हैं और ये है मस्जिद जहानुमा, फारसी में जिसका मतलब है दुनिया की झलक देने वाली मस्जिद, यानी जामा मस्जिद। इस मस्जिद में 25,000 तक नमाजी एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। दुनिया के जाने माने शायर असदुल्ला खान गालिब का भी चांदनी चौक से गहरा ताल्लुक रहा है। यही उनकी हवेली भी है। ऐतिहासिक लाल किला हमारे स्वाधीनता दिवस समारोह का मुख्य आयोजन स्थल और इसके सामने ये विस्तृत क्षेत्र जहां पर बड़ी संख्या में जनसमूह आज 73वें स्वाधीनता दिवस समारोह का साक्षी बनने के लिए उपस्थित हैं। लाल किला आधुनिक भारतीय इतिहास की तमाम गाथाएं जिसकी दीवारों पर अंकित हैं, आज वहां पर मुख्य समारोह स्वाधीनता दिवस ये 73वें संस्करण पर आयोजित किया जा रहा है। Today, as we breathe in this air of independence, we live in a free country, with generations of Indians never having lived as subjects of a foreign power. Freedom for us is a non-negotiable, something we take for granted as being there. Today, however, allows us to reflect on how this freedom was envisioned by those who laid the foundation for our nation,
Gandhiji's emphasis on the upliftment of the last man, the poorest of the poor, assumes great importance for how we measure development today. आजादी का मोल उससे पूछिए जो पराधीन है। हमने तो बहुत बड़ा मोल चुकाकर स्वतंत्रता पाई। आजादी के बाद जन्म लाल किले की भव्य पृष्ठभूमि और माननीय प्रधानमंत्री का आगमन ऐतिहासिक लाल किले पर आगमन हो चुका है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का, जिनका स्वागत करने के लिए उपस्थित केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री महोदय अभिवादन करते हुए उपस्थित जनसमूह का, जिनमें बच्चे शामिल खास तौर पर, प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत, रक्षा राज्य मंत्री श्रीपाद यशो नायक, दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल असित मिस्त्री के द्वारा, अंतरसेना पुलिस कमांडर जनरल सलूट समेत